सच में मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं वहाँ पे गई और आज तक मैंने कभी भी अकेले कहीं स्पीच नहीं दिया, अपने बारे में नहीं बताया, क्योंकि कभी ऐसा मौका भी नहीं मिला। तो ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है और हमारी फैमिली पहली औरत होगी ना। जी हाँ, हमारी फैमिली की पहली औरत है और मेरे ख्याल से हमारे शहर की वो पहली औरत है। और एक गांव से आ करके और इतना मेहनत करके इतना आगे बढ़ गए, तो किसी भी सास और माँ के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य और खुशी और गर्व की बात है। बहुत ही अच्छा लगा और अच्छा लगा यह देख करके कि जिया ने जो मेहनत की है पिछले कुछ सालों से, उस मेहनत को कह सकते हैं कि एक रिकॉग्निशन मिला। मुझे तो बहुत ही खुशी हुई कि मेरी बहू कहीं पे जाके मंच पे बोले और कहीं पे उनको ऐसा मौका मिले। बहुत दिन से मेहनत कर रही थी। तो यहाँ पर तैयारी भी चल रही है जोर शोर से और यहाँ पर जो है इसके ऊपर डाला गया अरारोट, दोनों के ऊपर डाल दिया गया है। अब इसके ऊपर अरारोट मेन है। जितना अरारोट डालोगे उसका 1/3 जो है, मतलब 1/4 आपको डालना सिर्फ बाइंडिंग के लिए। अच्छा ठीक है। तो हम अगर 3 चम्मच अरारोट, मतलब 4 चम्मच अरारोट डालते हैं तो 1 चम्मच हमको मैदा डालना है। ठीक है। नमक डालो, काली मिर्ची डालो, लहसुन पेस्ट डाल दी, इसको हम मिक्स करेंगे। चलो बहुत बढ़िया है, करो मिक्स। सोनू सीख रहा है क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल चिली बेबी कॉर्न वैसे हमको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ना रेसिपी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तुम देख करके बना लेना फिर बाद में। वैसे ये बनाएंगे ना कि जिया वो बनाओ, तो क्योंकि एक बार बेसन का ना चीला करा, जिया ये बनाओ चीला। अब जो घर में मखाना आ गया, जिया मखाना से परेशान रहती है, हर दिन कहते मखाना भरा खिलाओ। हाँ, हम देखते हैं। यहाँ पर अब जो है यह फ्राई होना शुरू हो चुका है। इंडियन पकोड़ा कैसे बनता है, उसमें बेसन का घोल लगता है। चाइनीज पकोड़ा कैसे बनता है, उसमें अरारोट मैदे का घोल लगता है। बाकी प्रोसेस सेम होता है, सब सेम है बाकी। हाँ, चिली गार्लिक इसमें डलता है, अपने में सारा इंडियन मसाला डलता है, बस हो गया। चलो बढ़िया है। इसमें कुछ डालिए, तीखा डालिए कि नहीं? कुछ इसमें पड़ता है अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट। हरी मिर्ची का पेस्ट। हाँ, अच्छा। देखो ये ग्राइंड करके पड़ेगा उसमें, जो हल्का सा उसको मिक्सअप करते हैं उसमें, और बाकी इसमें पेस्ट पड़ता है। अच्छा, ऊपर से पड़ेगा? नहीं नहीं, ये देखो हरारा दिख रहा होगा तुमको ये। अच्छा, डला हुआ है इसमें। हाँ, मिक्स होकर तभी ना उसमें टेस्ट आएगा। वही तो हम सोचे। हाँ। उसके बाद जो है इसको थोड़ा सा क्रंची बनाना। बस अभी क्रंची बन गया है, इसलिए हम उतना ही डालेंगे जितना हमारे तेल का कैपेसिटी है। जब भी रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं स्पेशली बोल देते हैं क्रंची होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि इसका मजा क्रिस्पीनेस में ही आता है ना। वो फिर वो सॉकी सॉकी सा लगता तो फिर इसका मजा नहीं आएगा। ये तो वैसा ही खाना है, स्टीम वाला खा लेंगे हम। तो वही वाला है ये। A few moments later. तो नैन्सी दीदी का यह हो चुका है फ्राई, तो देख सकते हैं हल्का ब्राउन हो चुका है यह, और इसके ऊपर जो ग्रेवी सब भी डाला जाएगा तब कंप्लीट होगा। आवाज से पता चलता है कि क्रिस्पी है। हाँ। लेकिन इसमें ना प्रोसेस क्या है ना, 1/1 डालना होता है, जैसे हम मतलब कुछ भी फ्राई करते हैं ना, इसमें 1/1 डालना होता है, नहीं तो वो क्या होता है ना, चिपक जाएगा, नहीं तो ऐसे करके वो जमा हुआ सा हो जाएगा, फिर अच्छे से पकता नहीं लगेगा। यहाँ पर बेबी कॉर्न हो गया जी फ्राई, और अब यहाँ पर फ्राई किया जा रहा है मशरूम को, तो वहाँ पर मशरूम भी फ्राई हो रहा है। बस अब जो है इंतजार करने का, फ्राई होने का देर है, फ्राई होने के बाद मुश्किल से 5 मिनट बस। हमको भूख भी लग गई है बहुत तेज। कुछ और खाना खा भी नहीं रहे, सोच रहे यही खाना है हमको, बस हो ही गया, अब ये हो जाएगा। हाँ, डाला हमने प्याज, जो बेबी कॉर्न होता है ना, इसमें हम बारीक प्याज काट के डालते हैं, ठीक है, और ये हमारा ग्राइंड किया हुआ अदरक मिर्चा और लहसुन है, ठीक है। तो चाइनीज कुजिंग में तो पता ही है, जितना लहसुन वहसुन पड़ता है उतना अच्छा होता है। इसको हमें पकाना नहीं होता है, स्मोकी फ्लेवर देना होता है, इसलिए तेल हम कम मात्रा में डालते हैं, और ये डालेंगे सारी चीजें, और उसके साथ साथ डालेंगे शिमला मिर्च। तो जो चाइनीज लवर हैं उन्हें तो पता ही होगा कि ये चीजें इनकी जान होती है चाइनीज कुजिंग की। तो बस अब ये थोड़ा सा सॉटे हो जाएगा, बस इसमें हम डालेंगे सोया सॉस और विनेगर, और फिर हल्का सा अरारोट को घोल करके डालेंगे ताकि उसका ग्रेवी जो है ठीक हो जाए, मिक्स कर देंगे। चलो बढ़िया, बस मुश्किल से 5 मिनट कढ़ाई में चढ़ने के बाद। तो यहाँ हमारा चिली बेबी कॉर्न आ चुका है, देख सकते हैं साथ में मशरूम, तो जल्दी से इसको खाया जाए। जिया खाया जाए, तुम्हारा भी इसी में लगा हुआ है, आप खाइए।
ठीक है हम खाते हैं, फिर खत्म हो जाएगा, हमको मत बोलना कि सारा खा लिए, फिर मेरे लिए छोड़े नहीं। नहीं दादा बांट लीजिए, इतना सा। अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और यहाँ पर क्रियांश और गतिक जो है एक साथ है जिया के गोद में और दोनों इधर ही देख रहा है। क्रियांश हट नहीं बोल रहा है उसको, उसका कपड़ा खाएगा वो। ये है दाओ भैया, बलराम जी। ये कौन है? किशन कन्हैया। बोलो बोलो दाऊ। ये देखो ये देखो दाऊ, इधर देखो दाऊ, दाऊ देखो दाऊ। राधे 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 राधे। तो कल रात में हम आ गए थे जो स्टॉक से और सच में मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं वहाँ पे गई। और आज तक मैंने कभी भी अकेले कहीं स्पीच नहीं दिया, अपने बारे में नहीं बताया, क्योंकि कभी ऐसा मौका भी नहीं मिला। और मेरा भाग्य सौभाग्य देख सकते हैं, मुझे जो स्टॉक जैसा मंच मिला मुझे बोलने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा। और घर में चलते सबसे पूछते हैं सबको कैसा लगा। घर में सभी बैठे हुए हैं, मम्मी बैठी हैं, इधर पति देव बैठे हैं, उधर देख सकते हैं दीदी बैठी है, इधर मेरा ओरी इधर से उधर घूम रहा है। ओरी से मेरा बहुत खुश है, ये भी बहुत एक्साइटेड है। तो सबसे पहले पतिदेव से पूछते हैं, तब मम्मी से पूछेंगे, तब दीदी से पूछेंगे। तो बताइए आप कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा, और अच्छा लगा यह देख करके कि जिया ने जो मेहनत की है पिछले कुछ सालों से, उस मेहनत को कह सकते हैं कि एक रिकॉग्निशन मिला है, एक थोड़ा पहचान मिला है। जो स्टॉक जैसे मंच पर जाना सौभाग्य की बात होती है। हम लोग जो स्टॉक पर जो है वीडियो देखा करते थे और कभी शायद सोचा भी नहीं था कि हम भी कभी इस मंच पर जाएंगे और वहां पर अपनी बात को रखने का मौका मिलेगा और हम भी अपनी सक्सेस स्टोरी दुनिया को बताएंगे। जो स्टॉक पर ना जाने कितने सारे स्पीकर आए होंगे और कितने सारे स्पीकर ने हमारे लाइफ में कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है उन सारे स्पीकर को सुनकर के लिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि जिया ने जो अपनी कहानी बताई है उससे भी बहुत लोगों को सीख मिलेगी और जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छे मुकाम पर जरूर पहुंचेंगे। हमने तो किसी को अभी तक बताया नहीं था अपनी स्टोरी, बस काम करते रहे, है ना? बिल्कुल जी। तो जो स्टॉक पर आपको जिया की स्टोरी मिलेगी, बहुत सारी स्टोरी तो हमने बता रखा है अपने ब्लॉग चैनल पर जो भी शुरू से हमें फॉलो करते आ रहे होंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमने अभी तक नहीं बताई है, बस किसी को नहीं बताया। हाँ, लेकिन हम लोग थोड़ा सा झिझक रहे थे उन सब चीजों को बताने में, यह चीज बताएंगे तो पता नहीं कैसा रिएक्शन आएगा, लेकिन इस बार उस झिझक को जो है हमने खत्म कर दिया है और खुलकर अपने साथ जो भी हुआ आप बीती सब कुछ हमने वहाँ पर शेयर किया हुआ है, तो आप लोग जरूर दिखेगा उसे। और इधर मम्मी बैठी, आप बताइए मम्मी कैसा लगा आपको? आपकी मुझे तो गई? मुझे तो बहुत ही खुशी हुई कि मेरी बहू कहीं पे जाके मंच पे बोले और कहीं पे उनको ऐसा मौका मिले। बहुत दिन से मेहनत कर रही थी, बहुत आदमी हमारे जो अपने थे उनको बहुत एतराज भी हो रहा था कि मेरी बहू क्यों करती है ये काम, मेहनत वो कर रही थी या बहुत आदमी बहुत परेशान थे, लेकिन मेरे अपने ही सब हैं। अब हम क्या बताएं आपको, ज्यादा बता नहीं सकते हैं, लेकिन आज उनको भी बहुत खुशी होगी जो कि हमारी बहू इतनी ऊपर पहुंची है, जमीन देखने का मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं जमीन पे ही रहूंगी और हमेशा आप लोग के आशीर्वाद रहे हमारी बहू पे, हमारे लिए यही सबसे सौभाग्य की बात है। दीदी आप बताइए, दीदी तो खुजली कर रही है कि बताइए आप। भाई मुझे तो बहुत 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 ज्यादा खुशी हुई है इस चीज को लेकर कि जिया यहाँ पर आई और उसको ये अपॉर्चुनिटी मिली इस चीज के लिए, तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है कि अभी तक तो हमारी फैमिली में कोई इस जगह पे पहुंचा नहीं है। जिया को एक चांस मिला उस प्लेटफॉर्म पे आने का, अपने आप को बताने का कि उसकी जर्नी कैसी रही है, उसने कैसे सक्सेसिटी हासिल करी है, उसने क्या क्या किया है, मतलब कितना हार्ड वर्क है इस चीज को बताना कि लाइक जब आप किसी भी सोशल मीडिया पे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं तो उस जगह पर आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, दूसरों के कमेंट्स को फेस करना पड़ता है, कुछ अच्छे कमेंट्स होते हैं कुछ बुरे कमेंट्स होते हैं, उन सब चीजों को इग्नोर करके जब आगे बढ़ते हैं तो कितनी प्रॉब्लम्स होती है, क्या क्या करके आपको आगे बढ़ना पड़ता है, तो ये सारा कुछ जिया ने किया है और उसको ये चांस मिला है जोश पे आने का, हमारे तो बहुत ही ज्यादा प्राउड मोमेंट है ये। तो पापा जिया गई जो स्टॉक पे, आपको कैसा लगा वो जो गई वहाँ पर? जिया अपनी मेहनत से आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें गया है बहुत उम्मीद के साथ गई है, वो बहुत अच्छा काम किया है। ये सफलता से आपको बहुत खुशी हो रही है? बहुत खुशी है, और आगे बढ़े, ये हमारा आशीर्वाद है तो हमेशा रहेगा।
मेरा बेटा शादी में गया हुआ था, 12 तारीख को आने वाला था, राजधानी में उसकी टिकट थी। मैंने उसको फोन पर पूछा कि तुम लोग कब आ रहे हो, तो उन्होंने फोन पर मुझे सूचना दी कि टिकट जो है उसको कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि जिया का कॉल जो है जो स्टॉप पर हो गया। मुझे बहुत खुशी हुई और एक गांव से आ करके और यह इतना मेहनत करके इतना आगे बढ़ गए, तो किसी भी सास और माँ के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य और खुशी और गर्व की बात है। इसके लिए मैं ईश्वर के चरण में बार बार धन्यवाद देती हूँ और जिया के मेहनत का भी लाद देती हूँ कि आज वहाँ तक पहुँच गई। और समाज के जो भी अच्छे लोग होंगे उनको भी शायद बहुत अच्छा लगे। सबसे पहले भैया और भाभी आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, आप दोनों ने हमारे परिवार का नाम रोशन किया है। हम दोनों के लिए भी आप प्रेरणा का स्रोत बने हैं कि कैसे एक इंसान जो है स्ट्रगल करते हुए इतनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। मैंने तो बहुत करीब से भैया आपको देखा है कि आपने कितना स्ट्रगल किया है अपने लाइफ में। काफी कुछ सीखने को आपसे मुझे मिला है कि अपने लाइफ में कैसे स्थिर रहा जा सकता है और स्थिर रह करके आप कैसे सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं खास संदेश देना चाहूंगा और मेरा जो बधाई है हम दोनों की तरफ से, जो सबसे ज्यादा जो बधाई के पात्र है वो हमारी भाभी है, क्योंकि एक औरत के लिए उस मंच तक जाना हमारी सोसाइटी में आज भी उतना आसान नहीं है। और आज भी क्योंकि हम एक थोड़े पिछड़े राज्य से बिलोंग करते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, और वहाँ पर आज भी बेटियों को काफी हे नजर से देखा जाता है, हीन भावना से उनको देखा जाता है, और खास करके बहुओं को। जी हाँ, तो एक बहू और बेटी होते हुए उन्होंने एक, मैं कह सकता हूँ कि काफी मुश्किल रास्ता चुना था अपने लिए, और काफी ज्यादा उन्हें जो है बैकलैश झेलना पड़ा था, लेकिन भैया का सपोर्ट, माँ का सपोर्ट, पापा का सपोर्ट उन्हें मिला और उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और आज इतने बड़े मंच पर वो पहुंची हैं, जहाँ पर चुनिंदा लोगों को ही मौका मिलता है कि वो अपने सफलता का जो है जर्नी है अपनी, वो वहाँ पर जाकर के शेयर कर पाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। और हमारी फैमिली पहली औरत होगी ना? जी हाँ, हमारी फैमिली की पहली औरत है और मेरे ख्याल से हमारे शहर की वो पहली औरत है, क्योंकि मैंने तो कटिहार से अभी तक किसी को नहीं देखा है जो स्टॉक्स पे। जो स्टॉक्स मैंने काफी पॉपुलर लोगों को देखा था और आज अपने परिवार का एक सदस्य वहाँ पर पहुँचा है, खुद की भाभी, और वो भी हमारी अपनी भाभी हैं। सच में ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। आपको बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से भाभी, और भैया आप भी बधाई के बहुत बड़े हकदार हैं यहाँ पर, क्योंकि जब तक आप सपोर्ट नहीं करते वो आगे नहीं बढ़ते, और हम चाहेंगे कि इसी तरह से आप आगे बढ़ें और हमारा मार्गदर्शन करें ताकि हम दोनों भी अपने परिवार का नाम उसी तरह से रोशन कर पाएं।